अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स एडोब एलिस्ट्रेटर उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडोब एलिस्ट्रेटर के आज के इस लेसन के अंदर हम एडोब एलिस्ट्रेटर के इंटरफेस को देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, स्पेशली आप किसी नए सॉफ्टवेयर के अंदर काम करें, तो कोशिश किया करें सबसे पहला काम जो आपने सीखना होता है उसका इंटरफेस को समझने की कोशिश किया करें। क्योंकि जब तक आपको इंटरफेस के बारे में समझ नहीं होगी, आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि जिन चीजों के अंदर आप काम कर रहे हैं वहां पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, किस जगह पर ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है, तो उस वक्त तक आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर काम नहीं कर सकते हैं। बात याद रखिएगा, अगर आपका इंटरफेस को सीखने के लिए एक हफ्ता भी लगता है तो आप लगाएं, दो दिन लगते हैं लगाएं, पांच घंटे लगते हैं लगाएं, जितना कम जितना ज्यादा टाइम आप लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि आपके पास इंटरफेस ही मेन चीज होती है। इंटरफेस को समझ लिया तो सॉफ्टवेयर आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाता है। हर एक चीज की बेसिक्स होती है, फाउंडेशन होती है, तो सॉफ्टवेयर की भी बेसिक और फाउंडेशन उसका इंटरफेस होता है, उसको समझने की कोशिश क्या करें। तो इस लेसन के अंदर हम लोग इसी चीज को देखने जा रहे हैं कि जब आप अपने पास एडोब एलिस्ट्रेटर 2019 को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे उसमें क्या क्या चीजें होंगी, कौन कौन सी चीजें कहां पर पड़ी हुई हैं, तो ये चीजें हम लोग इस लेसन के अंदर देखते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेसन। तो मैं अपने पास एडोब एलिस्ट्रेटर को ओपन कर देता हूं। स्टूडेंट्स, जब अपने पास आप एडोब एलिस्ट्रेटर की न्यू फाइल अपने पास क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने आपको इससे पहले के लेसन के अंदर डिटेल से बता दिया था आप अपने पास न्यू फाइल को कैसे बनाते हैं, तो ये आपके पास न्यू फाइल बनकर आ चुकी है। और ये जो आपके पास न्यू फाइल बनी है ये इसका फर्स्ट टाइम का इंटरफेस है, समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने अभी क्लिक कर दिया है, तो बिल्कुल आपके पास कुछ चीजें इस तरह की ही दिखाई देंगी। सबसे पहले हमने ये जानना है हमारे पास कौन सी टूल बार, कौन सा मेन्यू और कौन सा कंट्रोल पैनल कहां कहां पर है और क्या क्या वो काम करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन को। स्टूडेंट्स, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने पास एडोब एलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे 2019 को, आपके पास कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इसमें जो सबसे पहली चीज आपको दिखाई दे रही है, यहां पर ऊपर एक बार दिखाई दे रही है। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आपकी एप्लीकेशन टूल बार है, एप्लीकेशन मेन्यू, एप्लीकेशन बार इसको कहा जाता है। एप्लीकेशन बार के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। सबसे पहली जो चीज आपके पास यहां पर दिखाई दे रही है वो आपके पास मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। मेन्यूज क्या होते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, हर मेन्यू के ऊपर आप क्लिक करने से आपके पास एक नीचे की तरफ लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट के अंदर आपके पास मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं जो कि आपके किसी भी जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करने में आपकी मदद देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई भी चीज यहां पर बनानी है, क्रिएट करनी है, बेसिकली वो मेन्यू की मदद से होती है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको यहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर आपको एक होम बना हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये क्या चीज है, ये जो आपके पास होम का बटन है, जैसे आप यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस आपको वेलकम स्क्रीन या होम के ऊपर लेकर चला जाता है। और जैसे आपको यहां पर लेकर आ जाता है, वट एवर आपने यहां पर कुछ भी किया, उसके बाद आप वापस उस एरिया पे जाने जा रहे हो, तो आप देखें आपके पास यहां पर एक एरो बना हुआ आ चुका है, जो कि अगर आप पहले देखिएगा जब आप न्यू फाइल क्रिएट फाइल कर रहे थे वहां उस वक्त ये एरो नहीं था बैक का, लेकिन जैसे अब आपके पास ये एरो आ गया, आप क्लिक करेंगे तो आपको वापस पीछे की तरफ लेके ये चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके आगे आप चले जाए, यहां पर आपके पास कुछ बॉक्सेस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक नीचे ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली अरेंज डॉक्यूमेंट एरिया है। मैंने आपको जब न्यू फाइल क्रिएट कर रहा था वहां पे मैंने आपको आर्ट बोर्ड के बारे में बताया था। आर्ट बोर्ड आपके पास क्या होता है, आपके पास ये जो आपका व्हाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपका क्या है, आर्ट बोर्ड एरिया है। अगर आपके पास एक से ज्यादा वर्किंग एरिया आपके पास होंगे, एक से ज्यादा आपके पास आपके आर्ट बोर्ड होंगे, आप उनको अरेंज करना चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि फर्ज कर लेते हैं आप एक बुक बना रहे हैं, पांच से छह पेजेस की आप बुक टाइप कर रहे हैं, एलिस्ट्रेटर के अंदर बुक रेडी कर रहे हैं, अब उसमें पांच छह पेजेस आप उनको साथ साथ देखना चाह रहे हैं, तो फिर आपको अरेंज का यूज करना पड़ता है। अरेंज में आप जाएंगे तो आपके पास इसकी मुख्तलिफ यहां पर इसकी ऑप्शंस होती हैं, यानी कि आपके पास यहां पर अप टू टू शो करेगा, यहां पे भी थ्री शो करेगा, यहां पे थ्री शो करेगा, थ्री शो करेगा, थ्री शो करेगा, तो फोर शो करेगा, तो इस तरह से इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, इसके मुताबिक ये आपको डॉक्यूमेंट के पेजेस वगैरह शो करता है। तो मैं कोशिश करूंगा आइंदा लेसन के अंदर आपको डिटेल से इसके बारे में बताता चलूं। उसके बाद आप यहां पर आएंगे तो आपके पास एक और ड्रॉप डाउन आपको नजर आएगा। बेसिकली आपके पास वर्क स्पेस स्विचर्स होता है, जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेशन, आपके पास क्लासिक, लेआउट, पेंटिंग,
ट्रेसिंग, वेब, समथिंग लाइक दिस, इस तरह के आपको मुख्तलिफ यहां पर मेन्यूज नजर आ रहे हैं, और जिसके ऊपर क्लिक हुआ होता है बेसिकली वो आपके पास फर्स्ट टाइम आपको दिखाई दे रहा होता है। राइट नाउ आपके पास जो क्लिक है इसका कुछ बिहेवियर इस तरह का है। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं आप यहां पर आ जाएंगे, आप क्लासिक के ऊपर आप क्लिक कर दें। क्लासिक से ये होगा कि आपको ये भी समझ आएगा जो बंदे इससे पहले का वर्जन यूज कर रहे थे, एलिस्ट्रेटर 17 यूज कर रहे थे, 16 यूज कर रहे थे, उनके लिए यहां पर प्रॉब्लम ये होती है जैसे वो यहां पर आते हैं तो उनको यहां पर बहुत सारी ऐसी टूल्स बार्स और कंट्रोल पैनल आप उनको दिखाई नहीं दे रहे होते। अक्सर वो पूछते हैं सर वो किधर गए, कहीं भी नहीं जाते, यहां पर ही है, जस्ट उसके लिए आपको ढूंढना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं क्लासिक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो लोग ऑलरेडी एलिस्ट्रेटर को यूज कर रहे हैं उनके मुताबिक उस तरह का व्यू बना आ गया जैसे कि 2017, 18, 17, 16, 15, समथिंग लाइक दिस उनमें था, ठीक है। लेकिन राइट नाउ अगेन मैं इसको फर्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये आपके पास आपका वर्क स्पेस स्विचर होता है। अब वर्क स्पेस क्या होता है ये भी हम आइंदा लेसन के अंदर डिटेल से देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप चले जाएं, आपको कुछ हेल्प दिखाई देती है, एक सर्चिंग दिखाई दे रही है। अब सर्च के अंदर भी अगेन आपके पास ड्रॉप डाउन है, अगर आप यहां पर क्लिक कर देंगे आपके पास एडोब स्टॉक, यानी कि फर्ज करें आप कोई किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आप कोई लोगो कोई ऐसी चीज या कुछ भी बना रहे हो उसमें आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मटेरियल आपको बाहर से लेना है, फर्स्ट करें आपको कुछ क्लिप आर्ट की बुक्स वगैरह या ऐसे कुछ और मटेरियल आपने लेना है, तो जस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपको एडोब स्टॉक के स्टोर के अंदर लेकर चला जाएगा। अब वहां पे सम टाइम कुछ चीजें फ्री होती हैं, मोस्टली आपको परचेज करना पड़ती है, लेकिन इसके लिए आपके पास आपके नेट का कनेक्शन का होना जरूरी है। जैसे आप इसको बुक टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास तमाम बुक्स से मुतालिक आपके पास क्लिप आर्ट समथिंग लाइक दिस इस तरह की चीजें आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और सम टाइम आपको कोई हेल्प वगैरह रिक्वायर्ड होती है तो उसके लिए अगेन आप यहां पे आ जाएंगे, आप एडोब हेल्प के ऊपर जा सकते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है। आपको यहाँ पर वीडियो हेल्प मिलेगी, टेक्स्ट के मुताबिक हेल्प मिलेगी, आपको ये एडोब फॉर्म के ऊपर लेकर चला जाएगा, वहां से आपको तकरीबन हर किस्म के प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हल मिल ही जाता है। तो आप कोई भी टाइप करेंगे लेकिन इसके लिए आपके पास अगेन नेट कनेक्शन का होना जरूरी है, अदरवाइज आप इसकी हेल्प नहीं ले सकते, अदरवाइज फिर आपको ऑफलाइन हेल्प को डाउनलोड करना होगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे चले जाएं, डेफिनेटली तीन बटन जिनका यूज आपको आता है इसके बारे में आपको बताऊं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है एक्सपी अकेडमी 1। अब ये वो वर्ड है जो मैंने इससे पहले के लेसन के अंदर इस फाइल को बनाते हुए इस फाइल का जो मैंने नाम दिया था। इस एरिया को बेसिकली कहा जाता है डॉक्यूमेंट टैब एरिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट टैब एरिया जो होता है वो आपकी फाइल का नाम शो करता है और ये बता रहा होता है करंट मौजूदा जो इस फाइल का जो आपके पास जूमिंग है वो कितने परसेंट एज है, ठीक है। तो ये आपको 72% एज बता रहा है। अब ये कैसी चीज, ये क्या चीज है ये मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूं, ठीक है। तो इसको आप डॉक्यूमेंट टैब्स कहते हैं। अब जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, फर्स्ट करें आप कोई प्रोजेक्ट काम करें जिसके अंदर आपके पास 3-4 आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए हुए हैं, अब उन तमाम के नाम यहां पर आ जाएंगे, टैब 1, टैब 2, टैब 3, टैब 4, टैब 5, टैब 6, टैब 7, समथिंग लाइक दिस, तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरफ को आ जाए, यहां पे आपके पास एक एरिया दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एरोस दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपके पास पेन की आगे नेब दिखाई दे रही है, कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ब्रश दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है। बेसिकली इस चीज को कहा जाता है टूल बार इसको कहा जाता है, समटाइम आप इसको टूल कंट्रोलर भी कहते हो, ठीक है। तो इसके बेसिकली अब इसमें होता क्या है, टूल्स के अंदर आपके पास आपके बेसिक्स टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, क्रिएट करते हो, बनाते हो, यानी कि एडोब एलिस्ट्रेटर के अंदर जितना भी काम किया जाता है इन टूल्स की मदद से किया जाता है। अब इन टूल्स को इंशाल्लाह हम आइंदा लेसन्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप तमाम टूल्स को यूज करना सीखेंगे। लेकिन इसके साथ अगर आप इधर ऊपर देखें यहाँ पे तो आपके पास एक डबल एरो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब ये जो चीज है ये आपके पास 2017 के अंदर है, इसको आप गौर से 2019 के अंदर ये चीज है इसको गौर से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहां पर जस्ट आपके पास आपके कुछ बेसिक्स टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इन एरोस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसको ये एक्सटेंड कर देगा। एक्सटेंड करने से क्या होता है आपके पास ये देखिए यहां से नीचे तक जो टूल्स आए हुए हैं जैसे आप क्लिक कर थोड़ा सा एरिया बढ़ा देगा और इनको दो रो के अंदर लेकर चला जाएगा। पहले ये तो तमाम टूल्स एक रो के अंदर थे, अब यही टूल्स जो है वो दो रो के अंदर आ जाएंगे,
ठीक है, एक रो आपके पास ये दिखाई दे रही है, यानी कि एक कॉलम, सॉरी कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे, दो कॉलम के अंदर, एक कॉलम आपके पास ये दिखाई दे रही है और दूसरी कॉलम आपके पास यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे आप एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, अगेन ये पीछे की तरफ चला जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, जो लोग पहले से एलिस्ट्रेटर को यूज करते हुए आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जैसे वो उस चीज को देखते हैं, एक फौरन से उनको शॉक लगता है। जैसे मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने ओपन किया था, फौरन मुझे एक शॉक लगा था। वो क्या था यार, एलिस्ट्रेटर ने क्या किया, यहां पर तो बहुत सारे टूल्स थे जिसमें से कुछ यहां पर दिखाई दे रही है। बेसिकली एलिस्ट्रेटर ने इस फंक्शन को अपडेट किया है। अब अगर यहां पर नीचे आ जाए तो आपके पास देखिए एडिट टूल बार की ऑप्शन मौजूद है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास तमाम वो टूल्स जो यहां पर मौजूद नहीं है उनको आप यहां पर ला सकते हैं। अब जो आपके पास अनविजिबल है वो यहां पर आए हुए हैं, जो सॉरी वापस में आ जाता हूं। अब जो आपके पास यहां पर अनविजिबल है वो टूल्स यहां पर एक्टिव है, और जो आपके पास यहां पर विजिबल है वो यहां पर नहीं है। बात मेरी समझे? यानी कि देखिए, जैसे सिलेक्शन टूल आपको दिखाई दे रहा है और सिलेक्शन टूल बकायदा तौर पर आपके पास यहां पर मौजूद है, तो इसलिए आपके पास यहां पर ये अनविजिबल है। और अगर आप देखें आपके पास मैजिक टूल यहां पर कहीं भी नहीं है, अब यहां पर वो एक्टिव है, जस्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आपके इस एरिया के अंदर निकलकर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैं चाहता हूं, नहीं मेरे पास वही पुरानी वाली टूल्स बाल चाहिए थी जो मेरे पास, जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रोलर थे, ठीक है, ये आपकी मर्जी तक होता है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आप अपने पास इस टॉप एरिया पर आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहां पर एडवांस, बेसिकली इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं। जैसे मैं एडवांस के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आपके पास वही टूल्स बार आ जाएगी जो आपने इससे पहले के वर्जन के अंदर आप देखते आए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहां पर देखा, डिटेल से आपकी टूल्स बार निकलकर सामने आ चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आप अपनी मर्जी से भी कोई टूल बार बना सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से, लेट से आप कोई काम करें जिसमें आपको जस्ट कुछ टूल्स चाहिए होते हैं यूज करने के लिए, तो आप चाहते हैं कि इतने सारे टूल्स मेरे पास बेशक मुझको दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप इस एरिया में जाकर आप इसको न्यू टूल बार भी बना सकते हैं, जो कि हम आइंदा लेसन के अंदर जाकर देखेंगे कैसे बनाई जाती है। एक और स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर टूल्स बार के मतलब एक चीज बताता चलूं। आप देखें ये आपके पास टूल्स बार है, बेसिकली जहां पर आपके पास सिंगल टूल होगा तो वो आपके पास, जैसे देखिए ये सिलेक्शन का सिंगल टूल है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास यहाँ पे आई थिंक ये जूम का ये सिंगल टूल है, तो ये तो आपको देखें बिल्कुल सिंगल दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनमें डबल टूल्स आते हैं, यानी जिनमें दो टूल्स होंगे, ये ग्रुप ऑफ टूल्स जिसको आप कह सकते हैं, जहां पर ग्रुप ऑफ टूल्स होंगे वहां पे नीचे की तरफ एक एरो बना हुआ होगा। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरो नीचे की तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा है। राइट एंगुलर टूल में देखें आपके पास नीचे एक एरो की एरो बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस एरो को ओपन करने के लिए आपने करना क्या है, जैसे ही आप यहां पर अपने माउस को होल्ड करेंगे तो आपके पास तमाम ऑप्शंस आगे एक और पैनल के अंदर निकलकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें से जो भी आपको कमांड्स रिक्वायर्ड होगी आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका एक और तरीकेकार भी है, मैं इसको स्केप कर देता हूं। तरीका क्या है, जिस टूल से आपने उठाना है अगर आप उसके ऊपर चले जाए और आल्ट को होल्ड करते हो, अगर आप टूल्स के ऊपर क्लिक करें तो देखें यहां पे आपके पास तरतीब वाइज टूल्स चेंज होते जाएंगे। देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूं तो पहले आप राइट एंगल आया, फिर आपके पास राइट एंगल, लेकिन साइड इसकी जो होंगी वो राउंडेड होंगी, आपके पास इलिप्स या सर्कल आप कह सकते हैं, पॉलीगॉन आपके पास आ गया, आपका स्टार आपके पास बना हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से आल्ट को होल्ड रखना है, अगर आपका आल्ट होल्ड होगा तो फिर ये सामने निकल कर आएगा, अदरवाइज ये सामने नहीं आएगा। इसी तरह से और यहां पर मैं आपको टिप बताता चलूं, जब आप यहां पर आप किसी भी टूल को क्लिक करते हैं, फर्स्ट करें आपने यहां पे क्लिक किया, इस विंडो को माउस को होल्ड किया, आपके सामने ये विंडो आ गई है, तो आप देखें इसके सामने एक और आपको यहां पर एरो दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये क्या है, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जस्ट इसी टूल की एक टोटली टूल बार अलग-अलग बनी हुई आ जाएगी, यानी कि आपके पास ये जो ग्रुप ऑफ कमांड्स आपको दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो आपके पास ग्रुप ऑफ जो है, राइट एंगल, राउंड राइट एंगल, इलेप्स, पॉलीगॉन, स्टार, समथिंग लाइक दिस, जैसे ही मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो मेरे पास देखें एक और यहां पर टूल सामने आ चुकी, टूल बार मेरे पास सामने आ चुकी है। तो समथिंग लाइक दिस, जब आपको कुछ काम करना हो तो आप चाहते हो कि आपके सामने ये तमाम चीजें रहें, तो जस्ट आप किसी भी टाइम पर जाकर आप एक प्रोजेक्ट के अंदर चाहे तो 10 मरतबा आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जितनी मरतबा आप इसको निकालना चाहें, आप इसको सेट करें, बार बार आप इसको निकालते जाएं तो ये निकलती जाएगी और ये टूल्स आपके सामने आ जाएंगे। जस्ट आप इन टूल्स को चूज करें और अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वापस आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं, जस्ट आप क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये बार क्लोज
क्लोज हो जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा जो चीजें मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूं उनको प्लीज आपको अपने माइंड के अंदर रखना होगा। ठीक है, अब वापस हम आ जाते हैं यहां पे हमारे पास, ये जो डार्क एरिया नजर आ रहा है और ये जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा वर्क स्पेस एरिया कहलाएगा, हमारा वो एरिया जहां पर अपना काम करना होगा। ठीक है, अब जो आपके पास ये आपके पास जो आपका व्हाइट एरिया आपको दिखाई देता है, इन सिंपल वर्ड ये आपका पेपर है और आर्ट कैम की और अपना एलिस्ट्रेटर की लैंग्वेज में इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। आर्ट बोर्ड या वर्किंग एरिया, ये आपके पास वो एरिया है जहां पर अपना वर्क करेंगे, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करेंगे इस वाइट एरिया के अंदर रहते हुए आप अपना डिजाइन बनाएंगे, या ये समझ लें ये आपके पास आपका प्रिंट एरिया है। ठीक है, और साथ में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है इसको इसको कैनवस कहा जाता है, यानी कि आपके पास वो एरिया जिसको आप नॉन प्रिंटेबल एरिया या नॉन एक्टिव एरिया जिसको आप कह सकते हैं, ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्ज करें आपने कोई प्रिंट वाला काम करना है तो इस एरिए पे रहकर करेंगे, बाकी आप रफ अमल का जो काम होता है उसको आप अपने पास दाएं बाएं में रख सकते हैं, यानी रफ काम को। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस तरफ को निकल जाएं तो आपके पास यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रहा है, लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, लेकिन अगेन इसके ऊपर अगर आप यहां पे देखें आपके पास एक एरो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक्सपेंड पैनल हो जाएगा, यानी कि ये पैनल आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास लेयर क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, प्रॉपर्टी बेसिकली जब भी आप अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। अब वो प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपको इस तरफ आना होगा। अगर आप इस व्यू को चेंज करते हैं, मोस्टली जो से पहले के एलिस्ट्रेटर जितने भी वर्जन थे उनमें ये प्रॉपर्टी टूल बार जो है वो बिल्कुल इसके नीचे है, जिसको हम आइंदा लेसन के अंदर हम इंशाल्लाह इसको भी क्लासिक वर्जन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी हमें इधर ऊपर ही दिखाई देगी, लेकिन राइट नाउ मैंने इसको ऐसा रखा हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका यही व्यू है। उसके बाद इस तरह से आपके पास लेयर का कंसेप्ट है, लाइब्रेरी का कंसेप्ट है और कई पैनल्स आप ओपन कर सकते हैं विंडो में जाकर, तकरीबन 36 के 38 इसके बाय डिफॉल्ट पैनल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तमाम एक्शन, एलाइन, अपीयरेंस, आर्ट बोर्ड, एसेट, एक्सपोर्ट्स, ब्रश, कलर का, ये तमाम आपके पास आपके पैनल्स हैं। अब पैनल्स क्या काम करते हैं ये हम इंशाल्लाह आइंदा लेसन के अंदर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, वापस आप अगर आपको ये एरिया डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको अगेन एरो के थ्रू बैक साइड पे लेकर जा सकते हैं। इस तरह से आप नीचे चले जाते हैं, नीचे आपके पास आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन एरिया या स्टेटस टूल बार जिसको आप कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें ये बता रहा होता था, यहां पर आप देखें राइट एंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है कि आपके पास मौजूदा जो कमांड सिलेक्टेड है वो क्या है, राइट एंगल की। जैसे कि आप देखें मेरे पास यहां पर राइट एंगलर सिलेक्टेड है, अगर यहां पे मैं सिलेक्ट टूल के ऊपर क्लिक करता हूं, सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, तो आपको अगेन बता देगा आपके पास मौजूदा जो कमांड सिलेक्शन है वो क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो पेज का जो जूम होता है ये आपको बता देगा आपके पास कितने परसेंट है। यहां पे याद रखिएगा ये आपके पास मुख्तलिफ इसके जूमिंग परसेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो मैं आपको आइंदा लेसन के अंदर डिटेल से बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता देता है कि आपका कौन सा जूम राइट नाउ सिलेक्टेड है और वो यहां पर आपको दिखाई देगा। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि आप किस आर्ट बोर्ड के ऊपर हैं। ठीक है, आर्ट बोर्ड वन पे है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप फाइल बनाते हो उसमें आप कई तरह के आर्ट बोर्ड कई आर्ट बोर्ड डाल सकते हो, कई पेजेस डाल सकते हो, तो आपको ये बताएगा कि आप किस पेज के ऊपर हैं। ठीक है, इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, आपके पास लेफ्ट राइट करने के लिए, मूव करने के लिए स्क्रॉल मौजूद है, अप डाउन करने के लिए मौजूद है तमाम चीजें। तो डिस्टेंस ये आपकी वो तमाम बेसिक चीजें थी जिसको हम यूज करते हुए, जिनकी बेसिस को जिसको समझते हुए हम आगे की तरफ निकलेंगे। तो इस लेसन के अंदर जस्ट हमने ये देखना था कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने पास एलिस्ट्रेटर को ओपन करते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज किस किस तरफ है। इसमें जो मेन चीज है वो आपके पास आपकी टूल बार है, जिसको मैंने थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन जस्ट ये आपको मैं इंट्रो बता रहा हूं, इसको दो तीन मरतबा देखिएगा इंशाल्लाह, आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा। जब ये समझ आ जाए देन फिर आप नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाइएगा। तो डी स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन, नेक्स्ट लेसन तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। डी स्टूडेंट्स अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें 03439017779 पे। हमारी वीडियोस को लाइक्स करना, शेयर्स करना, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ, उस तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।